ये पैलेस की एंट्री। हमने जो देखी थी वो थी पीछे आर्ट गैलरी, और अब जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ ये ओपन एरिया है यहाँ का। ब्यूटीफुल पैलेस बना हुआ है इसके अंदर, ये अंदर भी जाएंगे देख के आएंगे अंदर वाला पोर्शन। यहाँ पर बालकनी, जो राजा रहते थे ले के वो यहाँ रहते थे, और छोटे छोटे से गेट्स बने हुए जैसे मिनियंस रहते हैं यहाँ पर किसी ज़माने में। थोड़ा सा थक गया हूँ मैं अब हम आ चुके हैं फोटो एग्जीबिशन लेवल पे, जो ले पैलेस का फोटो एग्जीबिशन। एक तो इतनी छोटी छोटी जगह है ना, नीचे नीचे से निकल के जाना पड़ता है। बड़ा अच्छा है, ये रही फोटो, पुराने फोर्ट की फोटोज हैं ये, फोर्ट की थोड़ी सी नई पिक्चर्स, और ये ड्रोन कैमरा की जो पिक्चर ली हुई है वो है। यहाँ पे लद्दाख गैलरी है वो हम देखते हैं। नीचे है ना ये दुनिया, ब्यूटीफुल। एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर G20 की मीटिंग के जो गेस्ट वो भी आए थे, तो इस वजह से जगह को बहुत अच्छे से डेवलप कर दिया है। देखो छोटी छोटी विंडोज बनी हुई हैं, और यहाँ से मतलब बेसिकली जब ये महल था तो यूज़ होती थी। ये देखो ये एंशिएंट आर्किटेक्चर के अंदर हैंडमेड पेंटिंग, ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर बनी हुई है। तो अब हम लोग आ चुके हैं सबसे टॉप लेवल पे ले पैलेस के, और अंदर से तुम्हें ले पैलेस में दिखाऊं तो कैसा है। ये पुराने मॉडर्न मतलब एंशिएंट दरवाजे, ये बालकनी है, इस पर एक लकड़ लगा दी ताकि कोई गिर के लौट ना जाए। यहाँ से ले पे नज़र रखते थे जो राजा थे। हाँ तो अभी हमने ये कवर कर लिया है ले पैलेस, और हम लोग नीचे की तरफ उतर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ले मार्केट की तरफ जाएंगे। मेरे लेसेस खुल गए हैं, एक मिनट रुको। तो फिर अब हम जाएंगे लंच करने के लिए, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं लंच करने के लिए। अभी मैं बहुत बहुत बुरी तरह से, मेरा शरीर अब बोल चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉकिंग है, और यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा मैच कम कर रहा है अपने आप से। इतने दिन से बेडों पर पड़े रहने के आलस, और दो चार चीज़ें और जिनकी वजह से हम लोग कमज़ोर हो चुके हैं अंदर से। पर अब घर जाएंगे तो वापस फिटनेस पर ध्यान ध्यान देंगे। बहुत दिन से जिम नहीं गए सर्जरी वगैरह के बाद से, बट ठीक है अब हम बहुत बढ़िया हैं। हम चलते हैं अब आगे, देखते क्या खाएंगे, तुम्हें भी दिखाएंगे। हेलो हेलो कर दे भाई, हेलो। बहुत सारे लोग देखेंगे तेरे को, कुत्ते पसंद आते हैं लोगों को मेरे से ज़्यादा। दिया इग्नोर मार रहा है तो बिल्कुल उसकी तरह। क्या हो गया पेट का? अच्छा तो हम लोग आ चुके हैं ले मार्केट की तरफ। अब हम यहाँ पे पहले लंच करने वाले हैं अपना, उसके बाद आगे देखेंगे क्या प्रोग्राम बनता है। शांति स्तूपा के लिए हम शायद थोड़े लेट हो जाएं, तो हमारे पास एक दिन और है ले में, परसों का। कल का दिन तो नहीं है, कल तो हम नुब्रा वैली जाने वाले हैं, तो शायद परसों हम लोगों को कवर करें। अभी पक्का नहीं होता, देखते हैं अभी। ब्लॉग मेरा बने रहो, अगर जा रहे होंगे तो ऑब्वियसली दिख जाएगा, नहीं जाएंगे तो परसों पक्का। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं ले मार्केट, और अब भूख से मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, और अब देखते हैं क्या खाएंगे यहाँ पे, फिर तुम्हें भी दिखाते हैं। यहाँ पे सामने मॉस्क है, और यहाँ पे कॉफ़ी शॉप, लद्दाखी किचन ना, लद्दाखी किचन है यहाँ पे लिखा है। चलो भाई चलो। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हिमालयन कैफ़े हमारा जो है वो ले मार्केट वाली रोड पर है,
और अब हम ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पे. क्या क्या ऑर्डर कर रहे हैं? मोस्ट प्रॉब्ली मोमोज वगैरह थे, बेतन डिशेज जो हैं वो ट्राई करेंगे, थोड़ा सा चाइनीज कुजीन भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे हम. और फिर टेस्ट करके बता दो तुमको कैसा है, क्योंकि मैंने इसकी रेटिंग देखी थी, काफ़ी अच्छा था ये. और मैं सोच रहा हूँ बबल टी भी पीजिए, यहाँ बबल टी का मेन्यू भी है तो बबल टी पीते हैं यहाँ पर. और बस बाकी अब तो मैं दिखाता हूँ क्या करना है. अब थोड़ी तबीयत ना मेरी ऐसे हो गई है तो देखते हैं अभी. शांति स्तूपा जाना हमारा रहता है, बट वो 6 बजे तक ही खुला रहता है, तो हमको मार्केट भी कवर करनी है और वो भी कवर करना है. तो लेट्स सी क्या कर पाते हैं हम लोग. और फिर होटल में आगे रेस्ट भी करना है, क्योंकि कल का दिन थोड़ा हेक्टिक ज़्यादा होने वाला है. कर लेता हूँ तो बस अब खाना देखते हैं क्या अवेल ऑर्डर करता है, फिर आगे देखते हैं खाना. तो हमने मंगाया है थुक्का और टिगमो. टिगमो मैं तुमको दिखाता हूँ क्या होता है. टिगमो है ये डिश जिसके अंदर ना ये रोटी सी होती है, वेज मंचूरियन भी आ गया, जो ग्रेवी वेज मंचूरियन आ चुका है. और मम्मी मेरी पी रही है वो थुक्का, ये वेज मंचूरियन भी देखने में अच्छा. और ये बबल टी मैंने मंगाई थी और परी भी बबल टी पी रही है. और हमने मंगाया वेज मोमोज. और क्या मंगाया वेज मोमोज के साथ हमने मंगाया है, हाँ कनूडल्स. दैट्स इट फॉर द डे. अभी देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम है. मेरे को नहीं लग रहा है शांति स्तूपा जा पाएंगे, तो इसको हम परसों कवर करेंगे मोस्ट प्रॉबली, जब हम श्रीनगर के लिए निकल जाएंगे उससे पहले. मेरा कारगिल के लिए निकल जाऊँगा उससे पहले, ठीक है. तो हिमालयन कैफे से अब हम निकल के बाहर जा रहे हैं मॉल रोड के मैं ले मार्केट की तरफ. और वहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, कुछ सोवेनिर्स वगैरह उठाएंगे और फिर हम लोग जाएंगे शांति स्तूपा अगर हमारे को टाइम मिला हो क्या तो. और बस मेरे को बहुत ज़ोर से नींद भी आ रही है वैसे तो, बट लेट्स सी वेयर टू वी गो. अभी हम नीचे चलते हैं मार्केट की तरफ. पालक अभी हम लोकल वेजिटेबल्स जो यहाँ पे बिक रही हैं वो देख रहे थे कि क्या क्या सब्जियाँ हमारे यहाँ पे लद्दाख के अंदर जो लोकल लोग खाते हैं, क्योंकि एक दो सब्जी मैं नोटिस कर रहा हूँ जो ऑलमोस्ट हर डिश के अंदर अवेलेबल है. भाई तो बड़ी जोर से मेहनत करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं शांति स्तूपा. मेरी बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी थी, मतलब गाड़ी में भी ऑलमोस्ट हो गया था मैं, पर फिर भी हम लोग आ गए हैं शांति स्तूपा. और अब छोटा सा ट्रैक वही 5-7 मिनट का ऊपर शांति स्तूपा में, तुम्हें दिखा देता हूँ. दूसरा शांति स्तूपा है वो ऊपर से और सुंदर होगा. अभी पहले मैं बस नीचे से दिखा रहा हूँ, ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के मिलते हैं. शांति स्तूपा यहाँ का सबसे पुराना वो है मॉन्यूमेंट और सबसे ज़्यादा पॉपुलर मॉन्यूमेंट है जो हम सबसे लास्ट में कवर कर रहे हैं. यहाँ से पहाड़ों का भी बहुत सुंदर व्यू आ रहा है, मैं तुम्हें दिखाऊँ अगर तो. ये देखो सामने बिल्कुल वाइट कलर के पहाड़, भी जूम करके दिखा दूंगा. और ये हमारा एक रोड बनी है, अच्छी सी रोड बनी है जो पीछे से भी आ रही है, मतलब साफ़ सुथरी रोड है. यहाँ पे एक टेंपल है और ये ऊपर की तरफ शांति स्तूपा. सब लोग ऐसे वॉक करते हुए जा रहे हैं. पहुँच चुके हैं शांति स्तूपा के टॉप मतलब लेवल पे, जहाँ पर ये रही हमारी शांति स्तूपा. ब्यूटीफुल. और आसमान देखो पीछे कितना सिंक में आ रहा है. उसको बोला नहीं कैसे मिला क्या फिर रुपए तो एकदम लगी जा रहे दीदी. तो यहाँ पर एक चीज़ का जो ध्यान और रखना है कि यहाँ पर जब आप शांति स्तूपा के ऊपर चढ़ रहे हो तो आपको शूज़ वगैरह यहीं पर उतारने पड़ेंगे. तो मैं अभी अपने यहाँ पे जूते वगैरह उतारता हूँ, होपिंग कि दिल्ली वाला सीन ना हो और वापस मिल जाए. आह कांटा चुभ गया पैर में पत्थर. हम ऊपर चढ़ने वाला हूँ. ये देखो कितना
इतना ब्यूटीफुल आर्ट वर्क है यहाँ पे। दाएं लग रही है मोस्ट प्रोबेबली, मेरे को लेफ्ट टू राइट जाना होता है। क्लाउड्स कितने सिंक में हैं इस पूरी सीनरी के साथ, और यहाँ से जो ले दिख रहा है दैट इज कमेंडेबल। लॉर्ड बोलते हाँ कि वो बनेंगे, यहाँ से हम पहले ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ तो क्रेजी हुई मतलब लॉर्ड बोलते हैं कि एक्चुअल वो है लेफ्ट वाला पोर्शन, यहाँ से हम कवर करेंगे और बोल कि बहुत अच्छी अच्छी कार्विंग्स बनी है। देखो कितना सरीन कितना शांत है ये, इसके बारे में अगर मेरे को कुछ और इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तो मैं एडिटिंग के वक्त वॉइस ओवर डाल दूंगा, अभी मेरे को जितना पता है मैं सब बता रहा हूँ। ये देखो इसके अंदर लॉर्ड बुद्धा इज डिफीटिंग दी डिविल्स, जस्ट अ सेकंड। ये वाला पोर्शन हम देखते हैं नीचे उतर रहे हैं कि पहले पूरा राउंड लेते हैं फिर उसके बाद चर्च चलते। अच्छा अब वो तो गलती हो गई अब इंसान से, अब तो वापस क्यों काट रहे हो चक्कर, हो गया क्या पूरा? हाँ ओ मम्मी हो गया, अगर चक्कर ऊपर पड़े ऊपर छोड़ दो, पापा को बुलाएंगे हमारी फोटो खींचेंगे सनसेट के साथ क्रेजी क्रेजी। बाकी हमारा आज का बहुत सारा दिन अच्छा अच्छा कवर हो गया, तो अभी हमने जो कवर किया वो था शांति स्तूपा, और आज के दिन की ट्रैवलिंग हम यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं। और डिनर के लिए अभी हम पहले जा रहे हैं होटल थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी एकदम थक गया हूँ मैं बहुत बुरी तरह से। फिर हम निकलेंगे डिनर करने के लिए, तिब्बतन किचन करके एक कैफ़े है वो फोर्ट रोड पे ही है जहाँ पे हमारा होटल है, तो वहाँ से हम निकलेंगे और बस उसके बाद दिन आज का दिन ख़त्म कर देंगे। आज का दिन काफ़ी मेरे ख्याल थोड़ा सा लंबा हो गया होगा वाला ब्लॉग, बट आई एम प्रीटी श्योर तुमको इसमें मज़ा आया होगा क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी जगहें कवर करी, और एक दिन में तुम लेह में इतनी ही जगह कवर कर सकते हो, इससे ज़्यादा जगह कवर करना तुम्हारी हेल्थ के लिए भी थोड़ा डेंजरस है और तुम्हारे लिए भी वैसे, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे 8-9 बजे तक बंद हो जाता है, 7:30 बज गए हैं और परी करी हिम्मत भी नहीं होती है। तो बस यही है, एक दिन में तुम इतना कवर कर सकते। कल हम लोग जाएंगे नुब्रा वैली की तरफ, नुब्रा वैली की तरफ हम लोग कौन सा पास है पापा, वो खाडुंगला पास, खाडुंगला पास भी कवर करेंगे, और मैग्नेटिक हिल भी हमको कल दिखेगी, कल नहीं दिखेगी भाई, मैग्नेटिक हिल हमको दिखेगी तरसों कारगिल की तरफ जब हम निकलेंगे। बाकी हो सकता है मैं व्लॉग इसके बाद ना बोलूं, तो व्लॉग यहाँ तक देखने के लिए बहुत ज़ोर से थैंक यू। पार्ट 3 हो गया सीरीज़ का, अब अगले पार्ट तक तुम जुड़े रहना, सारे पार्ट्स अभी आने वाले हैं, और बस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू।